हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे घर पर। आज हम करते हैं कंप्लीट अपनी 2.3 एक्सरसाइज सेवेंथ पार्ट। हमारे चार क्वेश्चंस रहते थे, बहुत इजी से चैप्टर चल रहा है हमारा, इंटरेस्टिंग। तो जो सेवेंथ क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करने को कहा है, साथ के साथ इसको चेक करने को कहा है कि रिजल्ट जो हमारा है वो चेक भी कीजिए कि सही है या नहीं। देखो, जब भी आता है कि सॉल्व करो, मीन्स जो भी वेरिएबल है, मतलब जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस इक्वेशन में उस वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। इसमें हमें क्या देखना है, ये फ्रैक्शन में है, अपॉन में। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में ले जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब जो डिनोमिनेटर में है वो बैरियर को क्रॉस करेगा, इक्वल के बैरियर को क्रॉस करेगा, तो डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, मीन्स अपॉन में है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 5 ऊपर चला जाएगा नीचे से, इज इक्वल्स टू 4, यहीं का यहीं रहा। क्लियर? अब आपको क्या करना है, वैल्यू x की निकालनी है, तो जितनी भी x की टर्म्स होंगी आपको वो सारी लेफ्ट में लेकर आनी है, या फिर ये क्या बन जाएगा, ये तो लेफ्ट में ही है। अब ये ब्रैकेट है, इसको आप ओपन करोगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4x, प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4×10^40। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, मीन्स आप सारी x वाली टर्म्स को लेफ्ट में लेकर जाओगे। तो जब आप लेकर जाओगे तो ये क्या बनेगा, और यू कैन से 5x, 4x जब इधर रहेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, सो दिस इज -4x इज इक्वल्स टू, ये उधर चला गया। अब क्या बचा है, कुछ भी नहीं, बस 40 बचा है, प्लस साइन का है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही वो प्लस का होगा। कितना इजी हो रहा है देखो। अब फिर से xx सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के वेरिएबल्स है हमारे, ये तो माइनस कर देंगे, 5 - 4 1x, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सो दिस इज सिंपली x इज इक्वल्स टू 40। तो हमारे पास x की वैल्यू 40 आ चुकी है। अब हमें चेकिंग करनी है। चेकिंग के लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था लेफ्ट साइड और राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी सिंपली क्या है, x है, मतलब x इज इक्वल्स टू 40। अब RHS की वैल्यू देखते हैं कि RHS भी क्या हमारी 40 आएगी। RHS है क्या, 4/5 × x + 10। वैल्यू रख देते हैं, चेकिंग करने में कुछ भी नहीं करना, मैथ्स में जस्ट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना और ऊपर वाली लाइन से देख के ही तो करना है। x की वैल्यू 40 आई है तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, 40 + 10, और बेसिक कैलकुलेशन करनी है। बेसिक कैलकुलेशन हमें आती ही है, 4/5 × 10 + 40 = 50। इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, तो कटिंग कर सकते हैं, 5 × 5 = 0, तो 4×10^40। ठीक है, तो हमारा राइट हैंड साइड भी 40 आ गई, लेफ्ट साइड भी 40 आ गई, तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया, वेरीफाइड। हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हम क्या करते हैं, इक्वल के दोनों साइड में x वाली टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को x टर्म्स को लेफ्ट साइड में ही रख लेंगे। तो 2x/3 तो यहीं पर था, ये वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा इसका, और सारी टर्म एज इट इज, 3 यहीं का यहीं है, कांस्टेंट टर्म्स को हम इक्वल से राइट साइड में ले जाएंगे, तो जो ये 1 है उधर जाकर क्या हो जाएगा, -1। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, और एलसीएम लेना आपको आता है 3 और 15, एक दूसरे के टेबल पे आते हैं जब, तो वो क्या होता है उसके मल्टीपल, तो बड़े वाला क्या आ जाता है, एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ चुका है, 15। अब आपको सॉल्व करना आता है, नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड, 3 × 5 = 15, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5×10x - 15 से 15 कैंसिल हो गया, 1 आया, 7x × 1 करेंगे तो 7x ही आएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। 3 - 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, 10 - 7 = 3x/15 = 2। अब आप देख सकते हो ये तो कट हो रहा है 3 के टेबल पे, 3×3 = 3, 3×5 = 15, तो आपके पास क्या है, x/5 = 2 आ चुका, और जो नीचे है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2×5 मीन्स x = 10। बट हमें चेकिंग के लिए भी कहा है, जब हम यहाँ पर चेकिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है आपकी, 2x/3 + 1, तो यहाँ पर 2/3 और x के प्लेस पर कितना रखा हमने, 10 + 1, तो 10^20/3 + 1। अब इसका एलसीएम जब हम लेंगे, 1/1 = 3, 20 यहाँ पर एज इट इज और यहाँ पर 3, सो दिस इज 23/3। अब राइट हैंड साइड की चेकिंग कर लेते हैं कि RHS में भी क्या यही आएगा हमारा, दैट इज 7x/15 + 3, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 7/15 और x के प्लेस पर 10,
फाइव टू द टेन, फाइव थ्री द फिफ्टीन, सेवन टू द फोर्टीन, और अपॉन में ये थ्री एज इट इज आ चुका है, थ्री के अपॉन में कुछ नहीं तो वन। फिर से हम एलसीएम के लिए सॉल्व कर लेते हैं, थ्री एलसीएम आएगा आपका थ्री और वन का, तो यहाँ पर थ्री से थ्री कैंसिल वन आया, और फोर्टीन वन द फोर्टीन प्लस ये थ्री एंड थ्री थ्री द नाइन, और आपको पता है नाइन प्लस थ्री फोर्टीन प्लस नाइन इज ट्वेंटी थ्री बाय ट्वेंटी थ्री, ये भी ट्वेंटी थ्री था आपका, और ये भी मीन्स एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ चुके, तो हैंस वेरीफाइड, चेक कर चुके हो आप, क्लियर, इजी क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा ऐसा ही है, इसमें वाई इधर भी है और वाई इधर भी, तो वाई वाली टर्म्स हम कहाँ सारी लेफ्ट में ले आते हैं, वेरिएबल एक्स में हो वाई टी एस कुछ भी हो हमारा मेथड सेम रहेगा, ठीक है। तो जो ये वाला वाई इधर आएगा, इधर माइनस का साइन है, यहाँ पर आकर इसका साइन चेंज रहेगा, इट विल बिकम ऑफ पॉजिटिव साइन, ट्वेंटी सिक्स इज हियर एज इट इज ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री, दिस इज पॉजिटिव फाइव बाई थ्री, राइट साइड में जाकर ये माइनस फाइव बाई थ्री हो जाएगा, टू प्लस वन इज थ्री वाई, आपको पता है डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमिनेटर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो थ्री वाई इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी ट्वेंटी वन बाई थ्री, और आपको पता है तो ट्वेंटी वन तो थ्री के टेबल पर आता है, थ्री वन द थ्री, थ्री सेवन द ट्वेंटी वन, तो यहाँ से वाई थ्री यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड में जाकर ये थ्री क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपके पास वाई की वैल्यू आ चुकी है। साथ के साथ चेकिंग भी कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं, तो उसमें हम एल एच एस में वैल्यू पुट करेंगे, टू इंटू वाई के प्लेस पर सेवन बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री, सेवन टू द फोर्टीन बाई थ्री, और आपको पता है फोर्थ क्लास से हम करते आ रहे, डिनोमिनेटर से हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, फोर्टीन प्लस फाइव इज नाइनटीन बाई थ्री, तो अब हम राइट हैंड साइड भी चेक कर लेते हैं, दिस इज ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री माइनस वाई, अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू अगेन 7 बाई थ्री, फिर से हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 का 3 रहेगा यहाँ पर, कभी भी बच्चे मिस्टेक से भी नीचे वाले को 3 माइनस थ्री करके 0 कभी भी नहीं लिखना, क्लियर। ये एलसीएम है 3 का 3 एज इट इज रहेगा, 26 माइनस 7 दैट इज 19, अब आप देख सकते हो एलएचएस भी राइट 19 बाई थ्री, आरएचएस भी, तो हमारा रिजल्ट सही, हमारी जो आंसर आया था वो बिल्कुल सही है, चेकिंग हो चुकी है। यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 बाई 5, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है, तो m को हम इधर लेफ्ट में कर लेते हैं, 3m ऑलरेडी है, 5m इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 8 बाई 5, अब आप देखो दोनों सेम m वेरिएबल है, बट एक पॉजिटिव माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 3 2m आ जाएगा, लेकिन 2m का साइन क्या आएगा, हाँ जी सोचो किसका साइन आएगा, जो बड़े का है, और बड़े वाले का साइन क्या है, लार्जर नंबर का, माइनस, सो दिस इज माइनस टू एम इज इक्वल्स टू माइनस एट बाई फाइव, क्लियर। अब यहाँ पर टू माइनस टू इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर एम वो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो वो नीचे आ जाएगा माइनस टू, जब भी आप माइनस साइन आगे प्लस हो मल्टीप्लाई कुछ भी हो तो ब्रैकेट साइन लगाना है, तो बच्चे जब भी हम डिवाइड में हमने किया होता है दो बार माइनस आ जाता है वो ओवरऑल प्लस बन जाता है, तो माइनस माइनस रिमूव हो जाएगा, टू फोर द एट, तो माइनस रिमूव हो चुका, हमने सेवेंथ क्लास में पढ़ा माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए एम की वैल्यू कितनी आ चुकी है फोर बाई फाइव, चेक कर लेते हैं रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड क्या है थ्री एम, एम के प्लेस पर रखा मैंने यहाँ पर फोर बाई फाइव, अब हमें मेथड पता है न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो थ्री फोर द ट्वेल्व बाई फाइव, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। आर एच एस चेक कर लेते हैं, आर एच एस क्या है हमारी फाइव एम माइनस एट अपॉन फाइव, तो दिस इज फाइव एम, एम के प्लेस पर रखा हमने फोर बाई फाइव माइनस एट बाई फाइव, फिर से फाइव फोर द ट्वेंटी बाई फाइव माइनस एट बाई फाइव, तो फाइव फाइव सेम रहेगा, एंड ट्वेंटी माइनस एट मीन्स ट्वेल्व, 12 बाई फाइव, एल एच एस भी 12 बाई फाइव, आर एच एस भी, मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही था। तो हम ऐसे छोटे क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं करके, बच्चे अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और 2.3 के फर्स्ट टू सिक्स क्वेश्चंस प्रीवियस पार्ट सिक्स में हमने किए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देना है अभी, तो जिसको भी डाउट हो आप वहाँ जाके देख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।